नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। उज्जैन के कोठी महल पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा रीवा में अतिक्रमण मुहिम के दौरान परशुराम मंदिर तोड़ने के विरोध में प्रशासनिक अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें संस्था के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि रीवा में बायपास रोड पर ब्राह्मण समाज के आराध्य देव भगवान परशुराम का एक मंदिर था, जिस पर प्रशासन द्वारा 24 घंटे में तत्काल कार्यवाही करते हुए मंदिर को तोड़ दिया गया है, जिसमें ब्राह्मण समाज ने उक्त मामले की जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। साथ ही भगवान परशुराम का मंदिर और आश्रम बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन देने की मांग भी की है। रीवा के द्वारा गत 22 दिसंबर को परशुराम स्थित मंदिर, जो इटोरा बाईपास रोड रीवा पर स्थित है, उसको बिना सूचना दिए 24 घंटे में तत्काल कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाकर गिरा दिया है। इससे ब्राह्मण समाज, जो कि परशुराम जी को अपना आराध्य देव मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ऐसे सारे ब्राह्मण समाज के लोगों की और अन्य हिंदुओं की भावना आहत हुई है। इससे सारा समाज व्यथित है और रीवा प्रशासन द्वारा जो एक तरफा कार्रवाई की गई है, उसका कड़े शब्दों में विरोध करता है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस संबंध में कलेक्टर महोदय के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि वे इस संबंध में कड़ी कार्रवाई करें, जांच करके दोषियों को दंड दें और भगवान परशुराम जी का एक भव्य आश्रम और मंदिर उसी स्थान पर बनाए। यदि यह संभव नहीं हो तो अन्य 5 एकड़ जमीन हमको किसी तरह से उसी स्थान के आसपास दी जाए, जहाँ पे भगवान परशुराम जी का भव्य मंदिर और आश्रम का निर्माण हो सके। वहाँ पे कई साधु संत रहते हैं जो पूजा अर्चन कीर्तन करते हैं। एक तरफा कार्रवाई करने से वे लोग बेघर हो गए हैं। इसी कड़कड़ाती ठंड में वे कहाँ जाएंगे, यह तय नहीं है। और ये कार्रवाई ऐसा ज्ञात हुआ है कि ये कार्रवाई उन लोगों ने करवाई है जिन्होंने पहले से अतिक्रमण कर रखे हैं। तो ब्राह्मण समाज, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज उज्जैन राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सुरेंद्र चतुर्वेदी के नेतृत्व में यह ज्ञापन दिया है कि इस संबंध में कड़ी कार्रवाई की जाए और पूरा समाज इस कृत्य की निंदा करता है। क्या नाम आपका? विनय ओझा। असल में रीवा में जो अतिक्रमण मुहिम चल रही है, उसके तहत बिना किसी अल्टीमेटम के उन्होंने परशुराम मंदिर जो है उसको धराशाही कर दिया। वहाँ पे कई लोग, कई जगह के स्थान के साधु संत आके रुकते थे, पूजा अर्चना करते थे, शनि मंदिर भी है वहाँ पे। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो भी उन्होंने कृत्य किया है उसकी पूर्व सूचना नहीं दी। अतिक्रमण उन्होंने ऐसे हटाया जैसे किसी अपराधी का कोई घर हो, इस प्रकार से उन्होंने कार्रवाई करी है। ठीक है, न्यायोचित है, जबकि कई जगह अपन देखते हैं इंदौर में या उज्जैन में बीच में मस्जिद है लेकिन उस पर कभी कार्रवाई नहीं होती है। तो ऐसा क्यों दुर्भावनापूर्ण वो ब्राह्मणों के साथ करते हैं जिससे कि आक्रोश पैदा हो और एक पराय का भाव हो? या तो सभी मंदिर मस्जिद को उस श्रेणी में लें, या फिर उन्होंने जो कृत्य किया है वो अशोभनीय है, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी अल्टीमेटम के बिल्कुल जो उन्होंने कार्य किया है वो निंदनीय है। और हमने जो ज्ञापन दिया है उसमें शिवराज जी के नाम से कि उसको पुनर्सम्मान स्थापित किया जाए, यही हमारी मांग है।